स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और आज का जो ये वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा वीडियो लेक्चर है जिसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि शायद कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए चले जाए, तो हो सकता है कि आपके काम आ जाए। तो ये वीडियो लेक्चर एक ऐसा वीडियो लेक्चर है जिसको आप नाम दे सकते हैं दैट दिस इज द वीडियो लेक्चर ऑफ मोस्ट expected mathematics important questions from the CBSE point of view, from the examination point of view, from board point of view. तो सर ऐसा तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इसमें जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके काम तभी आएगा जब आपको बेसिक ज्ञान पता हो, यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक जानकारी क्या है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में क्या फर्क है, छोटा सा आपको फर्क ये समझा लेते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बिल्कुल सही आपने सुना, हाइट एंड डिस्टेंस हमारे टॉपिक का नाम है। और मैंने आपको ये बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि अगर सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में लेट अस से कि इस घर में कोई व्यक्ति फंस गया है और उसको आप बचाने के लिए बिल्डिंग के साथ यहां पे एक सीढ़ी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सीढ़ी लगाई, तो आप सीढ़ी लगाते समय इस बात का पूरा ध्यान देंगे। एक बच्चा कहता है क्यों दरवाजे बंद है, बिल्कुल सही सुन लीजिए, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। तो घबराइए नहीं, यहां पे दिल रजामंद नहीं है, यहां दरवाजा बंद है, यहां दरवाजा बंद है, यहां दिल रजामंद नहीं है, दरवाजा बंद है। क्योंकि दरवाजा बंद है इसलिए लिफ्ट भी बंद है, और लिफ्ट बंद है तो रास्ता नहीं कोई जाने का, रास्ता नहीं कोई आने का जाने का, तो इसलिए क्या लगा दी, सीढ़ी लगा दी। तो सीढ़ी जो यहां लगाई गई है, यहां पे जो आपने लैडर लगाया, उस लैडर को जमीन के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइन किया गया, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बिल्कुल सही, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो ढलान का एंगल। बिल्कुल सही, सिंपल शब्दों में कहूं तो ढलान का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आइए दूसरा शब्द जो आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बिल्डिंग की छत पे एक आदमी खड़ा हुआ है और ये बंदूक लेके खड़ा है, गोली मारना चाहता है। यहां से आने वाले एक व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गोली मारना चाहता है यहां से आने वाले एक व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को ये गोली मार रहा है वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में आ रहा है, तो उसके द्वारा जब इस गाड़ी को देखा जाएगा तो गाड़ी जैसे जैसे नजदीक आएगी उसकी गोली मारने का एंगल चेंज हो जाएगा। यानी पहले वो गोली मार रहा था यहां पे, अब वो गोली मारेगा यहां पे जब गाड़ी और नजदीक आ जाएगी। इस समय जो ये एंगल बन रहा है, ए बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ नीचे देखते समय जो एंगल बन रहा है वो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, लेकिन इस एंगल को नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बिल्कुल सही आपने सुना, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बेसिक ज्ञान, बेसिक बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये जो एंगल था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, यानी जब किसी चीज को जमीन के साथ वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे ढलान पे किया जाता है सेट, तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लेकिन अगर किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को जमीन से कुछ ऊंचाई पे जाके नीचे देखा जाए, नीचे की ओर देखा जाए, तो उस समय
हमारा स्ट्रेट एंगल, नजरों का सीधा एंगल और नजरों का टेढ़ा एंगल, यानी उस समय ऊंचाई से नीचे की ओर देखे जाने पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उस एंगल को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए, और इसके अलावा अगर कुछ और पता होना चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ज्ञान। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ज्ञान नहीं पता है तो मेरी सजेशन सुनिए, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पॉज कर दीजिए। इससे पहले मैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एक बार उसे देख लीजिए, वापिस लौट के इस वीडियो पे आ जाइएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ज्ञान पता है, साइन थीटा क्या होता है पता होना चाहिए, कॉस थीटा क्या होता है पता होना चाहिए, टैन थीटा क्या होता है बखूबी पता होना चाहिए, और अगर पता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। और अब मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो ये चैप्टर है जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं, यहां पे मैं आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा जो एक बार पहले सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है और आने की संभावना दोबारा से है। तो आइए मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, आई रिपीट माय सेंटेंस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, the angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships on opposite side, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, on opposite side, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए, r alpha and beta, देख लीजिए मैंने कहा है कि हमारे पास एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऑपोजिट साइड पे दो शिप है और दोनों का एंगल यहां पे क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा। अब क्वेश्चन कहता है if the height of lighthouse, देख लीजिए, if the height of lighthouse is measured to be h meters, अगर lighthouse की height h meters नापी गई है, then question कहता है show that distance, I repeat my sentence, show that distance between the ships is given by expression, यहां पे लिखा है is given by h multiplied by tan alpha plus tan beta divided by tan alpha into tan beta meters। देख लीजिए मेरी सजेशन है, इसे एक बार देख लीजिए क्या यहां पे मैंने लिखा है। मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं और आप इसे कॉपी कर सकते हैं साथ साथ। From the top of a lighthouse, the angle of depression of the two ships on the opposite sides are found to be alpha and beta. And यहाँ पे कहा गया है कि अगर lighthouse की height को measure किया जाता है h meter, तो ये साबित कीजिए कि दोनों ships के बीच का जो distance है, वो है h into tan alpha plus tan beta divided by tan alpha plus tan beta. ये आप देख लीजिए और ये चीज हमें यहाँ पे साबित करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम विजुअलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज कीजिए क्या कहा गया है। तो देखिए कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, यानी अगर ये एक लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस का टॉप है, तो ये पानी है और ये आपका शिप है, ये पानी है और ये शिप है, एक बोट, एक बच्चा कहता है बोट है, अरे वही समझ लो। तो ध्यान से देखिए, जब इस शिप को देखा और इस चिप को देखा, ध्यान से देखिए, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, इस चिप का बनने वाला एंगल अल्फा और इस चिप का बनने वाला एंगल बीटा, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, अगर ये बीटा तो ये भी बीटा, इस पॉइंट को अगर मैं ए कहता हूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी कहता हूं, इस पॉइंट को मैं सी कहता हूं, इस पॉइंट को मैं डी कहता हूं, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, तो इसको एक काम करता हूं y मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, और क्वेश्चन ने कहा है पता लगाइए कि x plus y क्या है। एक बच्चा कहता है नहीं कहा क्वेश्चन ने कि x plus y क्या है, ये बताना है कि x plus y ये है। चलो जी यही साबित करेंगे कि x plus y है। आइए गौर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने काम कहा
इन ट्राइंगल, देख लीजिए इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी अगर मैं बीटा, बीटा को ध्यान से देखो, बीटा निकालता हूं, टैन बीटा लगाता हूं, तो टैन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते सर जी कि टैन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास एडी, और बेस, बेस कितना हमारे पास CD, और ये जो AD है इसकी वैल्यू है H, तो मैं कह सकता हूं कि therefore tan beta is equal to AD की जगह H divided by CD, CD वैल्यू कितनी है X, और हम कह सकते हैं कि X is equal to H upon tan beta, X is equal to H upon tan beta, देख लीजिए, भूल लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगेन मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इन ट्राइंगल एडीबी, देख लीजिए इन ट्राइंगल एडीबी की अगर बात करूं तो एडीबी में मैं बोल सकता हूं कि टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एडी, बेस क्या है हमारे पास डीबी, तो हमारे पास आ गया टैन अल्फा, टैन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन डीबी कितना वाई, और मैं कह सकता हूं कि y is equal to h upon tan alpha, देख लीजिए घूर लीजिए x आ गया y आ गया, x और y को प्लस कर सकते हैं, अब अगर मैं x और y को प्लस करता हूं तो देखिए x plus y is equal to distance between shifts, देख लीजिए x and y is equal to distance between shifts, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास h upon tan alpha, देखिए h upon tan बीटा एक्स की वैल्यू प्लस एच अपॉन टैन अल्फा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द शिफ्ट्स, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम में क्या है टैन बीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन अल्फा, ये टैन अल्फा इधर आ गया तो ये बन गया एच टैन अल्फा, ये टैन बीटा उधर चला गया तो ये बन गया एच टैन बीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द शिफ्ट्स, एच कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया टैन अल्फा प्लस टैन बीटा divided by tan beta multiplied by tan alpha is the distance between the two shifts, देख लीजिए घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता था, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस तरह की शक्ल के क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, वो कहते हैं यार शक्ल इतनी भयानक है हमसे कैसे होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसकी शक्ल है भयानक वही सबसे आसान होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन हो जाते हैं, एक बार नजर डाल लीजिए, और अगर आपने इसे कॉपी कर लिया है तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और इसके बाद जो आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसे मैं मिटा रहा हूं आपके लिए रब करूंगा, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर ये आपको समझ आ गया है तो आई होप कि आपको अगला क्वेश्चन भी समझ आएगा, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 5-6-10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है चलिए जानते हैं, देखिए कहता है टू स्टेशन, यहां से देखिए टू स्टेशन ड्यू साउथ, आई रिपीट माई सेंटेंस, ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर, ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर which leans, I repeat my sentence, which leans towards the north are at a distance of A and B from its foot, उसके foot से A और B की दूरी पर है, देख लीजिए if alpha and beta are the elevation, if alpha and beta are the elevation of the top of tower, if the alpha and beta are the elevation of the top of the tower from the station, देख लीजिए from the station हमें alpha and beta दे रखे हैं angle of elevation, then हमें prove करना है, to prove that इंक्लिनेशन, क्वेश्चन कहता है प्रूफ कीजिए कि इंक्लिनेशन ऑफ द टावर इज गिवन बाय cot theta इज इक्वल टू b cot alpha माइनस a cot beta divided by b माइनस a, देख लीजिए मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, हो सकता है समझ ना आए, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर समझ नहीं है एक बार देख लीजिए, मैं तो कहूंगा नजर डालिए एक बार क्वेश्चन क्या कहता है, आपको समझ आया कि नहीं आया,
एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। भाई लैंग्वेज ही अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स है। देखो कहते हैं टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टूवर्ड्स द नॉर्थ आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट इफ अल्फा एंड बीटा आर द एलिवेशन। मैं तो कहता हूं यहां तक जवाब मत, पहले उत्तर को समझो। दो स्टेशन है जो कि साउथ में है, साउथ में है उस टावर के जो खुद नॉर्थ में है और ऊपर से वो लीन करता हुआ टावर है। लीन मतलब समझते हो? देखो मैं समझाता हूं, ये देखिए अगर सपोज करो ये एक सीधा टावर है, मान लीजिए एक सीधा टावर है तो ये सीधा टावर है, लेकिन एफिल टावर ऑफ पिज़ा, पिज़ा नहीं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, बिल्कुल सही, एफिल टावर अलग है लीनिंग टावर अलग है, तो ये लीनिंग टावर की बात हो रही है, लीनिंग टावर की, समथिंग जो लीन कर रही है, समथिंग जो ढलान पे है। तो जो मैंने शब्द कहा वो आपको थोड़ा सा इसके लिए एंटरटेनिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया कि एफिल टावर की यहां पे बात हो रही है। एफिल टावर इज वन ऑफ द टावर एंड देन देयर इज अ लीनिंग टावर, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ लीनिंग टावर। तो लीनिंग टावर मतलब कि जो टावर खुद लीन कर रहा है, यानी वो टावर क्या है, लीन करता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, एक टावर है जो खुद लीन कर रहा है। अरे भाई जो टावर खुद लीन कर रहा है नॉर्थ की दिशा में, इस तरफ की दिशा को मैंने नॉर्थ मान लिया, उस टावर के ऊपर दो स्टेशन है जो कि उसके साउथ में है, यानी यहां पे एक टावर ये रहा और यहीं पे एक टावर ये रहा। देख लीजिए अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो समझ लीजिए मैंने कहा यहीं पे दोबारा बनाते हैं ताकि आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए और बातें समझ आ जाए। तो देखिए मैंने कहा कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टावर जो इस दिशा में ऑलरेडी लीन कर रहा है, इस टावर के ऊपर ये दूसरा टावर जो लीन कर रहा है और इस टावर के ऊपर ये दूसरा एक टावर जो लीन कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, पहला टावर है पहले से टेढ़ा, पहले टावर पे दो टावर भी टेढ़े। तो क्वेश्चन कहता है कि टू स्टेशंस, तो ये हो गया आपका स्टेशन वन और ये हो गया आपका स्टेशन टू, इसे एस मान लिया, इसे क्यू मान लिया, इसे पी मान लिया, ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लीन कर रहे, आर एट अ डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, बी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द एलिवेशन ऑफ द टावर, तो इसका एलिवेशन अल्फा, इसका एलिवेशन बीटा। क्वेश्चन कहता है ये बताइए कि जो पहला टावर है उसका खुद का जो एंगल है, उसका खुद का जो एंगल है थीटा, यहां पे हमें एक हाइट तो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो ये हाइट तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो उसे तो बी बोलना पड़ेगा और इसे काम करते एच मान लेते हैं। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? आई होप ये आपको बात क्लियर होगी। क्वेश्चन समझ आया बहुत जरूरी था इसमें। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है साबित करो कि इस वाले टावर की जो ढलान है, इस वाले टावर की जो ढलान है उसका जो एंगल है वो इस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, करते हैं कोशिश। आइए ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान करेंगे जो बात मैं बता रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए सॉल्यूशन, यहां बीच में कहीं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बच्चा कहता है tan थीटा क्यों निकाल रहे हो, तो cos थीटा मांग रहा है, cos थीटा से शुरू करो। चलो भाई मान लियो बच्चे की बात, तो जिस बच्चे ने कहा कि cos थीटा की बात करो, मैंने कहा चल मेरे भाई cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है h, तो मैं कह सकता हूं therefore x is equal to h cos थीटा। देख लीजिए x is equal to h cot theta। I hope ये बात आपको समझ आ गई कि यहाँ पे exactly x is equal to h cot theta क्यों लिया गया। देख लीजिए, अब जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात पे focus कीजिएगा। मैंने यहाँ पे अगला triangle लिया। मैं यहाँ पे दोबारा बात कर रहा हूँ in triangle। देख लीजिए in triangle ABS, ABS, ठीक है जी। हम यहाँ पे लगा सकते हैं cot alpha। एक बच्चा बोला why cot alpha, मैं कह रहा cot alpha जैसा कुछ याद चाहिए। तो cot alpha is equal to base, base क्या है हमारे पास a plus x, divided by हमारे पास क्या है h। तो मैंने लिखा यहाँ पे हमारे पास आ गया h is equal to a plus x divided by cot alpha, तो h is equal to a plus x, x क्या है h cot theta, तो h cot थीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा। ये वैल्यू है किसकी, एच की।
कौन से ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? एबीएस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, एबीएस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। देख लीजिए नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, दोबारा से बोल रहा हूं। मैंने यहां पे कहा इन ट्रायंगल एबीक्यू, इन ट्रायंगल एबीक्यू, अब निकाल रहा हूं कॉट बीटा, तो कॉट बीटा वापस क्या होगा? बेस, बेस क्या है? बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स अपॉन एच, तो मैं कह सकता हूं एच इज इक्वल टू बी प्लस एक्स अपॉन कॉट बीटा। देख लीजिए एच इज इक्वल टू बी प्लस एक्स अपॉन कॉट बीटा। अगर एच इज इक्वल टू बी प्लस एक्स कॉट बीटा है तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि एच इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, एक्स की जगह आया एच कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट बीटा। घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये भी एच है, ये भी एच है, दोनों एच को करूंगा इक्वेट तो कुछ तो जरूर पालूंगा मैं। तो ए प्लस एच कॉट थीटा अपॉन कॉट अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस एच कॉट थीटा, बी प्लस एच कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट बीटा। नजर डाल लीजिए, नजर डाल लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे ताकि बातें समझ आए आपको। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो देखो जी मेरी बात सुनो, ये आपके पास क्या है? कॉट बीटा। ये आपके पास क्या है? कॉट अल्फा। तो कॉट बीटा, कॉट बीटा, नजर डाल लीजिए, नजर डाल लीजिए। ये एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज और आ रही है, ध्यान से देखिए। मैं तीन ट्रायंगल्स को लेके क्वेश्चन की शुरुआत किया हूं, पहले एक्स निकाल के दिखाया, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल से एक्स निकाल के दिखाया, फिर इस वाले ट्रायंगल से एक्स निकाल के दिखाया, अब दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। एक और चीज मेरे पास आई कि मैंने इसे अभी तक कहीं यूज नहीं किया, तो एक बच्चा बोला कि यहां यूज तो किया, लेकिन एक और चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है, मैं चाहूंगा कि इसे आप एक बार देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, और जो आप करने जा रहा हूं उसे समझें। देखो मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज और आ गई, मैं इतना हिस्सा रब कर रहा हूं ताकि एक तो जगह बन जाए हमारे पास, और दूसरा आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली मैं करना क्या चाह रहा हूं। देख लीजिए, मैंने सबसे पहला काम किया, इस ट्रायंगल में x इज इक्वल टू एच कॉट थीटा निकाला, एबीएस ट्रायंगल में, एबीएस ट्रायंगल वहां मैंने मिटा दिया, मैं दोबारा कर लेता हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, इसलिए दोबारा लिख रहा हूं। देख लीजिए यहां दोबारा लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा इन ट्रायंगल एबीएस, एबीएस कॉट अल्फा की बात कर रहा हूं, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस एक्स अपॉन एच, वही है जो पहले किया था, वही है जो पहले किया था। लेकिन देखिए क्या मैं कह सकता हूं कि cot alpha is equal to a plus x, तो ये बन गया h cot alpha is equal to a plus x। अगर ये है h cot alpha is equal to a plus x, तो x क्या है? h cot theta, x क्या है? h cot theta, तो h cot alpha is equal to a plus h cot theta, तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं therefore यहां पे हमारे पास आ गया कि h cot अल्फा माइनस एच कॉट थीटा इज इक्वल टू ए, और वी कैन से एच कॉमन लेके एच कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए, और मैं कह सकता हूं कि एच इज इक्वल टू ए अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। देख लीजिए, घूर लीजिए, बहुत बेसिक चीज की है, जो पहले किया था वो दोबारा नहीं किया है, जो अब कर रहा हूं वो पहले नहीं किया था, जो पहले किया था उससे क्वेश्चन बन जाता शायद ना बनता, लेकिन ये मेरे दिमाग में अभी आया तो सोचा मैंने कि क्यों ना आपको यही बताया जाए। तो एच हमने यहां पे निकाल लिया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां दोबारा बोल रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू में अगर मैं लगाता हूं कॉट बीटा, तो ध्यान से देखिए कॉट बीटा इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास कितना है? बी प्लस एक्स अपॉन एच। तो ध्यान से देखिए, मैंने आप लिख दिया कॉट बीटा इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी? एच कॉट थीटा। देख लीजिए एच कॉट थीटा डिवाइड बाय एच, ये एच यहां जाएगा, तो देखिए ये इस स्टेप को यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एच कॉट बीटा इज इक्वल टू बी प्लस एच कॉट थीटा डिवाइड बाय अच्छा एच तो वहां चला गया, तो हमारे पास आ गया बी प्लस एच कॉट थीटा। देख लीजिए एच कॉट बीटा इज इक्वल बी प्लस एच कॉट थीटा, एच कॉट बीटा माइनस एच कॉट थीटा इज इक्वल टू बी, एच कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बच गया कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बी, तो एच इज इक्वल टू बी अपॉन कॉट बीटा
बीटा माइनस कॉट थीटा इज द वैल्यू ऑफ एच, इज द वैल्यू ऑफ एच, सेकेंड वैल्यू ऑफ एच, दिस वॉज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एच। मैं आपको बताऊंगा कि पहले इस क्वेश्चन को घूर लीजिए, अब तक जितना लिखवाया उसे देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन की समाप्ति हो चुकी है। प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बोर्ड पे क्या किया गया है, और अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए, गौर से देख लीजिए। आई होप ये आपको अब क्लियर हो रहा है। वन है और टू है, दोनों वन और टू को इक्वेट करेंगे, ये भी एच ये भी एच। तो देखो मैंने यहां पे लिखा ए अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। देख लीजिए देख लीजिए। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए यहां पे, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो और आप चीजों को देखकर कंफ्यूज ना हो, तो ये हटा देता हूं और आपके लिए ये चीज देखूंगा। देखो ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। तो देखिए ए कॉट बीटा माइनस ए कॉट थीटा b cot alpha minus b cot theta, a cot theta b cot theta, a cot theta b cot theta, b cot theta plus में a cot theta minus में, तुम आ जाओ इधर। देख लीजिए बहुत सिंपल, इसे मैं लेकर आया तो मैंने लिखा b cot theta minus a cot theta, उसे उधर लेके गया b cot alpha minus a cot beta। देख लीजिए इस पूरे में से मैं अगर cot थीटा कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में बचता है b माइनस a इज इक्वल टू b cot अल्फा माइनस a cot बीटा, और अगर मैं cot थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो दैट कम्स आउट टू बी b cot अल्फा माइनस a cot बीटा डिवाइड बाय b माइनस a, डिवाइड बाय b माइनस a। देख लीजिए घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉट थीटा जो हमने निकाल ली। देख लीजिए, आप पे नजर डालना चाहूंगा, आपको कहूंगा कि आप इसको एक बार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि एग्जाम में आता है, और वो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। और अब देखिए वो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, और इस वीडियो लेक्चर में टोटल तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, टोटल तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तीन क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन होते हैं, कम क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है। मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाता रहूंगा, तो आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन कहता है द शैडो ऑफ अ टावर, ध्यान से देखिए, द शैडो ऑफ अ टावर, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहां पे लिखा मैंने व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of sun is 45 degree, जब angle of elevation sun का 45 degree था, is found to be 10 meters, is found to be 10 meters more than when the angle of elevation, यानी जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था सूरज का वो 60 डिग्री था। क्वेश्चन ने कहा है ये बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देख लीजिए, आपको समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन ने कहा है कि टावर की शैडो जो बन रही है वो तब बन रही है 45 डिग्री पे और एक बन रही है 60 डिग्री पे, लेकिन जब बन रही है 45 डिग्री पे तब ये देखा गया कि शैडो थोड़ी बड़ी हो गई पहले के मुकाबले। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर, देखो अगर मैंने कहा कि ये टावर है तो टावर ये तो शैडो यहां बनेगी,
टावर ये है तो संध्या बनेगी कब, तब जब सूर्य देवता कुछ इधर है, तो सूर्य देवता का एंगल, सूर्य देवता का एंगल जब था 60 डिग्री, तो बन रही थी कुछ शैडो एक्स, किसकी, टावर की। मान लेते हैं कि टावर की हाइट थी एच, लेकिन जब सूर्य देवता का एंगल हो गया 45 डिग्री, तो शैडो पाई गई थोड़ी सी बड़ी, यानी शैडो पाई गई 10 मीटर ज्यादा। शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर मोर देन व्हाट इट वाज व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्री। तो ए भी हाइट ऑफ द टावर मान ली, इसकी पहली शैडो एक्स मान ली, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया। क्वेश्चन कहता है टावर की हाइट निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल है, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं टैन 60 लेता हूं, तो टैन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एच, बेस कितना है, एक्स, बिल्कुल सही। तो एच इज इक्वल टू √3x, एच इज इक्वल टू √3x। गो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देख लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी अगर tan 45 लेता हूं, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू है 1, 1 इज इक्वल टू एच, परपेंडिकुलर क्या है एच, बेस क्या है हमारे पास डीबी, डीबी हमारे पास कितना होगा 10 + x, तो 10 + x, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 10 + x, और वी कैन से कि एच इज इक्वल टू एच माइनस 10। अगर एच इज इक्वल टू एच माइनस 10, तो एक्स की वैल्यू यहां पर कर सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x अगर h माइनस 10 है, तो हमारे पास आ गया h हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ गया h माइनस 10। गौर से देख लीजिए, हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू h √3 माइनस 10 √3, तो हमारे पास आ गया h माइनस h √3 इज इक्वल टू माइनस 10 √3। एच हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 - √3 इज इक्वल टू -10 √3, तो एच कम्स आउट टू बी -10 √3 अपॉन, या फिर हम ले सकते हैं इसको 1 - √3। देख लीजिए एक बार, भूल लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए कि हमारे पास वैल्यू कितनी आई है। आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है, यहां पे एक्स की वैल्यू हमें पता चल रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी समवेयर नियर 10 √3 अपॉन 1 - √3। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लू, तो हो जाएगा -10 √3 अपॉन, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बन जाएगा √3 -1, माइनस कैंसिल, तो हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी 10 √3 अपॉन √3 - 1 मीटर्स। रेशनलाइज कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई, आपको आंसर मिल जाएगा। I hope this is very very important and very very clear to you. आपको बातें समझ आ रही हैं कि कैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको applications of trigonometry की बेसिक बात बताई, applications of trigonometry का बेसिक फंडा सिखाया। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और आता है, मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसी के नीचे लिखा हूं, पहले आप इसे देख लीजिए, अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसी के नीचे मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा और आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा, जो मैं चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व करें, और अगर आपने खुद से कर लिया तो समझ जाइए कि आपकी ये प्रैक्टिस पक्की हो गई। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ टावर इज 50 मीटर्स हाई, अ टावर इज 50 मीटर्स हाई, इट्स शैडो, देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है, इट्स शैडो इज एक्स मीटर्स, इट्स शैडो इज एक्स मीटर्स shorter, x meters shorter, when the sun's altitude is 45 degree, then when it was 30 degree, find the value of x। क्वेश्चन ने कहा है कि x की वैल्यू पता लगाइए, find the value of x। I would say खुद सॉल्व करें, solve it yourself, अपने आप सॉल्व करें। आंसर जो आएगा इसका, वो मेरे हिसाब से x will come out to be 50 multiplied by √3 - 1। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को घूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई है तो इसे अटेम्प्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस अपनी पूरी कर लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप देख लीजिए, एक तरह से देखा जाए तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने चार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ही लिए हैं। मैं बहुत जल्द लौटूंगा और भी वीडियो लेक्चर्स के साथ, जिसके अंदर हम कुछ मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, और अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो कृपया करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। एंड यस, आपने जो अपना समय दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, एंड इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।